Hey guys, welcome to Paisa Vlogs. आज हम लोग जा रहे हैं सनावदिया. Hi. Hello. तो यहाँ पर खाना पीना चल रहा है. हमारी बस आई थिंक ये वो लोकेशन नहीं है, वो घर है जिसके वहाँ हम लोग आए हैं. ये प्रसाद. हेलो हेलो गाइस. हेलो गाइस. इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ये दोनों बात कर रहे होंगे कितने बेवकूफ लोग आए हैं, पर ठीक है हम ऐसे ही. ये छोड़ है और कोई कोई लोग इसे फोले भी बोलते हैं. फोले फोले सब मिलने आए थे. वो जनक पाटा जी काम करोगे तो दे दूंगी उतने. जितना खाओगे उतना उगाओगे तो आओ काम में आ जाओ. जितना काम करोगे उतना मिलेगा खाने को. मैम ऑर्गेनिक खेती होती है यहाँ पे. ऑर्गेनिक खेती होती है और उनका नाम जिमी मैकगिलिगन था. उनको क्वीन एलिजबेथ ने ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया था उनकी भारत में सेवाओं के लिए. हम दोनों ने सोचा था कि हम लोग गांव में रहकर ऐसा जीवन जिएंगे जिसको देखकर लोग गांव से शहर की तरफ पलायन नहीं करेंगे. हमने एक घर उन्होंने बनाया अपने आप ही अपने हाथ से, ये दोनों बच्चों की सहायता से. और बनाने के बाद रहने आने वाले थे. कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ हमारा दोनों का. तो वो चल बसे, लेकिन जो हमारा दोनों का सपना था कि हम यहाँ रहकर क्या करेंगे उसकी कोशिश हमारी जारी है. आपको याद करके बोलना है मेरे पीछे. जिमी मैकगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये कोई सेंटर का बोर्ड और या ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर भी नहीं है, लेकिन काम को केवल समर्पण है. तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें हमारा खाने की सारी पूर्ति होती है. इतने फार्म में आधा एकड़ के करीब है, ये आधा एकड़ में और कुछ भाग उस टाइप में है. 65 चीज़ें खाने की हमें साल भर मिलती हैं. और हम लोग नमक, तेल, शक्कर और चाय पत्ती के अलावा बाजार से कुछ लाके खाते. और मुझे बाजार और शॉपिंग में बहुत हो जाते हैं, लेकिन शॉपिंग कहाँ होती है. तो ये खाने की हमारी पूरी आत्मनिर्भरता है और ये टोटल जैविक है. जैविक इसलिए है कि हमारे पास गाय है. ये है ये पौधा हम लोगों ने अब्दुल कलाम साहब का जब संस्कार हो रहा था उस टाइम पर हमने ये पौधा उनकी याद में लगाया था. मैं हर मौके पर मुझे पेड़ पौधे देने अच्छे लगते हैं. अटल बिहारी वाजपेयी की डेथ हुई तो मैं एक पहाड़ी पर पेड़ लगा के आई जी. और हम लोगों ने बहुत पेड़ पितरी पर्वत पर लगाए, भूरी टेकरी पर लगाए, देवगुराड़िया पर लगाए. अभी हमारे गांव में भी हमने ये टेकरी ग्रीन कर रहे हैं. Thank you.
जिससे रंग बनेगा वो सुखाने का है ना। इसमें क्या क्या है? इसमें टमाटर है, गौन बीजा के फूल है। सॉरी, ड्रायर है। गरम हवा है। इसे गरम हवा, गरम हवा आ रही है। ये टमाटर है जी, और ये गौन बीजा के फूल, इसका पाउडर बनाएंगे सुखा के। और इसके अंदर जैसे मेथी है, धनिया है, जो भी चीज़ें होती है हमारे यहाँ सारी सुखाते हैं। जी, इसके कलर बनेंगे? हाँ, इसके कलर है जी। ये होली पे लगाए जाएंगे और गुने के हवन चक्की काफी आ जाती है, और इससे एनर्जी पूरे घर में चलती है। विंड मिल तो रात दिन चलता ही रहता है, बिजली बनती है। ये सोलर पैनल है, सोलर पैनल, सोलर पैनल। इसमें खाना बनेगा। चुकंदर ले आइए, उसको काटिए, बॉइल कीजिए और छान लीजिए, आपके पास गीला रंग हो जाएगा। क्या हाँ भी बनाते हैं इसको बनाना? आज पेड़ है जिसके पत्ते का नाम खाखरा है, लेकिन फूल के कई नाम है। तो ये फूल के अभी आप ये बनाएंगे, इसमें खाली आप इसमें डालिए, निकालते हैं। ये निकालो, निकालो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप लोग निकालो इनका, ये इसके अंदर डालते जाओ। आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, आप इसमें सिर्फ यहाँ से पकड़ के पानी डालो। आप देखते जाइएगा एक दो मिनट के अंदर ये रंग कैसे आता है। लुक एट द ऑरेंज, लुक एट द ऑरेंज। ये दो रंग है, इसको लेके तुमको तुम्हारे हाथ पे इतनी जोर से मसलना है कि पूरी जान निकल जाए, अच्छे से ताकत लगा के। और तुम सबको दिखा भी रही हो। ठीक है, अभी इसको आप तिलक के रूप में इसको लगाना चाहती हैं अपने फ्रेंड को। मैं कई बार बताती हूँ तुम क्या क्या करते हो, और इन सबको बताओ कि क्या करना बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे तो क्या होगा। पेड़ लगाना बहुत जरूरी। नहीं पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा? सांस नहीं ले पाएंगे। और पेड़ नहीं होंगे तो अपन, पेड़ नहीं होंगे तो अपन भी नहीं होंगे। ये थी हमारी ट्रिप सनावदिया तक, और उम्मीद है आप सबको बहुत मज़ा आया होगा और बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा।